सो मेरे साथ है शकील उर रहमान, जियाउल हक, उर्फ़ रिंकू। सो वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम विद ए न्यू वीडियो। सो आज आप लोगों को लेके जाएंगे सोनार बांग्ला पार्क, जो कि अभी मैं आ गया हूँ कुमारगंज रेल गेट के पास में, बगल में यहाँ पर रेल गेट पड़ गया, शायद ट्रेन आएगा। और मेरे पीछे में जो दिख रहा है यहाँ पर कुमारगंज स्टेशन है। सो और राइट नाउ वी आर इन सोनार बांग्ला पार्क। सो गाइज जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर आए और देख रहे हैं कि दिस इज सोनार बांग्ला पार्क। सो दिख रहा है आपको किसा है, एंड इस तरह पे कुछ खेलने का, बच्चा लोगों का खेलने का एरिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल इट बेटर इन विलेज। सो मेरे साथ है शकील उर रहमान, जियाउल हक, उर्फ़ रिंकू, उर्फ़ रिंकू, यम्मी, यम्मी। भीड़ है बिकॉज अभी ईद का माहौल चल रहा है। सो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। सो बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं बिकॉज ईद इज गोइंग ऑन। तो सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं घर से सब लोग। जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है सब लोग गांव से आते हैं, और क्योंकि गांव से थोड़ा सा दूर पे है इस जगह, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए दिस विलेज इज वंडरफुल एंड इन विलेज एरिया। सो दिस इज वंडरफुल फॉर विलेजर्स एंड इट्स क्वाइट गुड और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप आते हो तो थोड़ा सा पीसफुल एरिया है। सो यू कैन इन्जॉय एंड सम रेस्टोरेंट इज देयर, सो यू कैन हैव फूड फ्रॉम हियर एंड और यू कैन फाइंड हियर रेस्टोरेंट। सो एज यू कैन सी दिस इज reception. So here you can have the food and something, you can have food here. So I don't know the price, but entry fee आपको यहाँ पर 30 rupees per head देना है, उसके बाद आप entry कर पाओगे इस park में, और उसके बाद आप घूमो फिरो यहाँ पर, देखो बैठो और enjoy करो। यहाँ पर देख रहे हो दोलना दोल रहे सब लोग, इतना बड़ा बड़ा आदमी फिर भी मतलब दोलना में दोल रहे, बिकॉज दिस इज लेज एरिया यार। सो ये बच्चों का खेलना है का एरिया है, खेलना कूदने का यहाँ पर देख रहे हो, वाओ। तो ये है पूरा रेस्टोरेंट का एरिया, जो जहाँ पर खाना वाना मिलता है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हियर यू कैन सी द गैदरिंग, देख रहे हो कितना गैदरिंग है यहाँ पर, क्योंकि एक ही पार्क है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, एंड पार्क में इतना कुछ खास नहीं है। तो चलो हम लोग घूम ले अभी, और इतना कुछ खास नहीं है, बस आओ और घूम के जाओ और थोड़ा सा चिल आउट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।